स्कूल में आना, बस से लेकर एट तक तो पता नहीं चला क्या हो रहा था, यहाँ पर ही पढ़ रहे हैं। जब आए नाइन्थ में तो सबसे पहले सर आते दीपक वालिया सर, एट से घुसती मतलब ऐसा लगता है कि अब भाई कैसे निकलना है, कोई भी स्कीम लगानी पड़ेगी, निकलने के लिए बाउंड्री लगाने पड़ेंगे कोई ना कोई। चलो दीपक वालिया सर को क्रॉस कर लिया किसी भी तरीके से, आ गए स्कूल में अंदर आ गए। फिर आता है पीएचई का पीरियड, पीएचई में आती है रीटा मैम सबसे पहले। जैसे ग्राउंड में घुसो पहले तो राउंड लगाओ, राउंड से मन करे तो मतलब कोई गेम नहीं खेलने देगी, साइड में खड़ा पनिशमेंट मिलती थी। मतलब कि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था स्कूल से, मेरा मन नहीं करता था मैं स्कूल में आऊं, सच की दिल की बात कह रहा हूं, मन नहीं करता स्कूल में आऊं, मन करता था स्कूल छोड़ दूं। जब 10th के पेपर हुए एक चांस मिला था, सीबीएसई बोर्ड अफेयर किया मैंने, मैं सोचा स्कूल चेंज कर लूंगा, आर्मी स्कूल में नहीं आने लगा, कोई माया शहर में चल जाऊंगा जहाँ ऐश होगी शुरू मेरा। पर स्कूल की एक गुडविल होती है ना जो स्कूल की, मतलब आर्मी स्कूल मतलब ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर चुका अपना कि पेरेंट्स के बोलते हैं कि जो आर्मी स्कूल है वो ही स्कूल है और कोई स्कूल नहीं है भाई। सही बात है, मतलब सीबीएसई से जब पेपर दिया तब स्कूल वालों ने कहा था कि भाई सीबीएसई वालों को कोई एडमिशन नहीं मिलेगी, पर मेरे घर वाले ऐसे निकले उन्होंने लड़ लड़के कहते हैं करानी एडमिशन तो इसी स्कूल में करानी है। फिर से आ गया 11th में, आ गया 3 महीने बाद आया 11th में, पूरे मतलब बाल बूम सेट करके लंबे लंबे बाल रखे हुए थे, तो पूरे आते स्कूल में पहले दिन ही शिल्पा मैम ने क्लास से बाहर निकाल दिया। पहला दिन मेरा क्लास के बाहर कि हाँ भाई बाल कटा के आना, चलो बाल कटा दे 11th में बाहर एक क्लास से पढ़े भी, मजा भी बड़ा किया। जब 11th खत्म हुई तो मतलब फेल हो गया, निकलना था ना एंड में रिजल्ट तो निकलना था, पूरी साल जैसी मारी पढ़ा कुछ नहीं, पूरे साल सब कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो एंड में निकलना था, हो गया फेल भाई। आगे 11th में जब बेटा 11th में आए बाल एकदम छोटे छोटे की भाई अब पढ़ना है, बड़ी बड़ी जैसी माली बहुत कुछ कर लिया पर अब पढ़ना है। तब भी मेरा यह था कि मम्मा 11th में फेल हो गया हूँ, इसी बाहर स्कूल में डाल लो, मैं बाहर कर लूंगा, ये स्कूल नहीं अच्छा लगता मेरे को। पर घर वाले कहते नहीं बेटा आर्मी स्कूल जो है आर्मी स्कूल ही है, उसके बाहर नहीं मैं जाने दूंगी। ठीक है 11th में आया, शुक्र है भगवान का भाई रीटेस्ट हो गए, नहीं तो अभी यहाँ पे नहीं होता, वहां पे बैठा होता कहीं। रीटेस्ट भाई रिटेस्ट बड़ी सही चीज निकली बाहर में। चलो पास हो गया भाई, ओहो जो रीटेस्ट में मैं पढ़ा इतना मैं बोर्ड में नहीं पढ़ रहा जितना मैं रीटेस्ट में पढ़ रहा था। जो मर्जी हो जाए ये रीटेस्ट मेरे को क्लियर करना ही करना है, अगर 27 पासिंग है मेरे को 28 लाने ही लाने हैं, जो मर्जी हो जाए। जब रीटेस्ट हो गया चलो पास हो गया, आ गया क्लास में, हाँ भाई आ गया। स्टार्टिंग के 2 मंथ सारे मतलब टीचर्स हो गए कि हाँ भाई रोहित आ गया, तो मतलब काफी मतलब वो हो गया था ना कि ये कैसे आ गया मतलब। तो मैंने बोला भाई मेहनत की आगे हो गए पास, आगे क्लास में। फिर 11th 12th की जब स्टार्टिंग में तो मतलब काफी जैसी जूसी मारी, एक्स्ट्रा क्लासे काफी लगाई, इतना कुछ लगाया, और एंड में जब आज मतलब लास्ट दिन रहेंगे स्कूल के, तो फिर ऐसा लग रहा है जैसे जो मतलब नफरत थी ना स्कूल के लिए कि नहीं भाई स्कूल से। एंड में यही कहना चाहूंगा भाई थैंक यू, यू ऑल हैव टू एंजॉय द आफ्टर पार्टी। 5 मिनट का मैं 5 मिनट का मोटिवेशन और 5 मिनट बस, चलो 2 मिनट बाकी वाले पकड़ के मारेंगे तुमको। मैं 2 मिनट देंगे, कितनी मुश्किल से स्पार्शिक करा के ऊपर आए। तो लास्ट में सबको थैंक यू कहना चाहूंगा, सबसे पहले रिद्धि मैम का जो मतलब जिन्होंने सबसे ज्यादा सपोर्ट इन्होंने किया, सही बता रहा हूँ बस, थैंक यू।